पाँच साल में हम क्या कर सकते हैं, सारा रोड मैप तैयार हो रहा, हर विभागों का अलग अलग मॉनिटरिंग है। अब निषाद समुदाय के लिए आप क्या कुछ करने वाले हैं? जिसका कोई प्रतिनिधि नहीं होता उसके साथ, उस समाज के साथ बहुत अन्याय होता है। कि समुदाय को जो वादा करके आए थे कि आपके साथ मछुआरों के साथ हर बिरादरी के लोगों को रोजगार दिए जाएंगे। दो नाम लेना चाहूंगी जिनकी जुगलबंदी खूब देखने को मिली थी विधानसभा चुनाव में, और उनके लिए बस दो दो लाइन आप सुनना चाहूंगी। हीरो बनते मुगेरी लाल के सपने देखने लगे हसीन, और नतीजा हो गया उनके सलाहकारों ने ऐसा उन्हें बीमार बना दिया कि आंख की पट्टी आ गई, उन्हें समझ ही नहीं आया कि नेता वो ना कि उसे कल क्या होने वाला है, बुद्धिमान वो है कि कल भविष्य में क्या होने वाला है, बुद्धिमान हो कि गरीबों वंचितों के लिए क्या सही समय पर सही निर्णय देता हो। तो ऐसे में उनका निर्णय हम तो मानते हैं कि गलत था। लगातार विपक्ष इल्जाम लगा रही है कि गुंडई हो रही है, जबरन उनसे परचा छीना जा रहा है, इस पे क्या कहना है आपको विपक्ष के इल्जामों पर? आज के दिन में अगर माफियाओं को गले लगाना ही तो इन्हें महंगा पड़ रहा है। आज भी इन्हें सुधर जाना चाहिए कि कम से कम उनसे दूरी बना लें। उतना एक्टिव मुख्यमंत्री 70 साल में नहीं देखा कि घटना पर खुद जाता हो और खुद उस पर कार्रवाई का निर्देश देता हो और खुद जो है उस पर उनको जेल भिजवाते हैं। तो निश्चित रूप से जांच करके दोषियों को जेल भिजवाते हैं। महिलाओं का कितना आप सहयोग देखते हैं? उनका थाली तो खाली था ना, मोदी जी ने योगी ने भर दिया, महिलाएं खुश हो गई। आज महिलाओं के नाम से योजनाएं चली, अब तक कहीं ना महिलाओं को कोई सम्मान नहीं देता था, लेकिन धन्य हो मोदी जी योगी जी कि जो भी मकान बने हैं, शौचालय बने हैं, जो भी योजना आती है मैक्सिमम लोग महिलाओं के। अभी पहले सिगरेटी गाँव जाता है तो दौड़ के पुरुष जाता है, कुछ आया भाई हम गरीब आदमी हैं, तो वो तो कहता भाई आया तो है लेकिन तुम्हारी बीबी के नाम से आया है महिला, तो वो औरतें खुश हो जाती हैं कि कम से कम कोई तो पूछा। मैं आपके दोनों बेटे भी विधायक सांसद, और आप तो अब किस तरह से और आप गोरखपुर की जनता के लिए आगे आकर और उनके सहयोग के लिए हमेशा तत्पर रहे। तो मैं जब कफन में बांध निकला तो हम दूसरे बेटे को क्यों, पहले अपने बेटे को शहीद करने के लिए साथ मिलाया कि हमारा बेटा आए, अपनी नौकरी छोड़ के आए, अपना सब कुछ आए, समाज की सेवा करे। दूसरा भी नौकरी छुड़वाया, तीसरा भी परिवार को मैंने कहा भाई आप सामाजिक ईमानदार हो कि पहले अपने परिवार के लोग जमीन पर उतरो। आपके आवास पे जो लोहिया जी की मूर्ति है उसको सुरक्षित रखने के लिए ढका गया है, ऐसा क्यों? असली में तो समाजवाद हम लोगों के दिल में बसता है ना कि सभी जाति धर्म के लिए लोहिया है, वो हमारे प्रतीक है। पिछली सरकार ने उन्हें ढका था और अब हम आए हैं तो निश्चित रूप से हम सरकार से बात करेंगे कि लोहिया की नीति हम लोग लागू किए हैं तो लोहिया को भी आगे किया जा। राजधानी से लेकर हर तहसील तक, जनता की समस्या से राजनीति तक, आपकी आवाज को धार देते हैं हम। बात भ्रष्टाचार की हो या बढ़ते अपराध, सच दिखाने का रखते हैं तब, क्योंकि प्राइम टीवी है हम। राजनीति से लेकर खेल के मैदान तक, हॉलीवुड से लेकर बॉलीवुड तक, अंतर्राष्ट्रीय खबरों से लेकर व्यापार तक,